हेलो गाइस एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लैपटॉप से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। दोस्तों आपके लैपटॉप में अगर बैटरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता है राइट साइड में, ना ही बैटरी कितना परसेंट चार्ज है ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, इस ऑप्शन को आपको कैसे यहाँ पर लेके आना है, ये ऑप्शन कैसे गायब हुआ है, पूरा प्रॉब्लम फिक्स करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग पर आप जाइएगा। और सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर आएगा। इसको आपको पूरा यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पर्सनलाइजेशन यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा है, जहाँ पर माउस का कर्सर है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा पर्सनलाइजेशन। इसके बाद जाइएगा आप टास्क बार पर, यहाँ पर टास्क बार वाला ऑप्शन है दोस्तों, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पावर वाला है जो बैटरी वाला ऑप्शन वो भी ऑन है, बट लेकिन यहाँ पर हाइड है थोड़ा वो। और यहाँ पर ऑन होने के बावजूद भी आपका जो है बैटरी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, यहाँ पर आपको इस विंडो को आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर जाइएगा दिस पीसी वाले पर, यानी माई पीसी हो दिस पीसी हो जो भी ऑप्शन होता है उस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा। और तो इस विंडो में आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैनेज दिखाई दे रहा है, मैनेज लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा। गाइस मैनेज के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर नीचे आ गया है जो विंडो मैंने ओपन किया वो आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना है डिवाइस मैनेज वाले ऑप्शन पर। इसके बाद जाएंगे आप बैटरीज पर, यहाँ पर बैटरी वाला ऑप्शन है। और इसके बाद यहाँ पर ड्राइवर को अपडेट करके आपको देख लेना है, अपडेट ड्राइवर पर जाएंगे। इसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, यहाँ पर अपडेट पहले से है, कोई अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्लोज करेंगे, दोबारा से यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करेंगे, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, ये भी दोस्तों ड्राइवर पहले से अपडेट है ऑलरेडी बता रहा है, तो इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी बैटरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको बैटरी को जो है डिसेबल डिवाइस पर क्लिक करना है, डिसेबल करना है, इसको एस कर देना है। और उसके बाद दूसरे वाले ड्राइवर को भी आपको डिसेबल कर देना है, एस कर दीजिएगा। दोनों ड्राइवर यहाँ पर डिसेबल हो गए। अब इसके बाद आपको कहना क्या है, इसमें यहाँ पर एक स्कैन वाला ऑप्शन है, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेज, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आ गया है ऑप्शन, तो इसको आप इनेबल डिवाइस कीजिएगा। और दूसरे वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी इनेबल डिवाइस कीजिएगा। दोस्तों इतना आपको करने के बाद यहाँ पर दोबारा से देखना है, यहाँ पर राइट साइड में तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड में जो है बैटरी वाला ऑप्शन आ गया है और चार्जिंग भी हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका भी बैटरी जो है नहीं दिखाई देता है चार्ज हो रहा है या नहीं, तो गाइस वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट में जरूर